अगली खबर में बात करते हैं जबलपुर की, जहां कोरोना की नई लहर के बीच मध्य प्रदेश सरकार एक बार फिर बिजली के दाम बढ़ाने की तैयारियों में जुट गई है, जिसका पुरपोज विरोध जबलपुर से शुरू हुआ है। जबलपुर के तमाम सामाजिक संगठनों ने आज एकजुट होकर बिजली की महंगाई के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने की रणनीति बनाई है। सामाजिक संगठन का बिजली आंदोलन 3 जनवरी को कलेक्ट्रेट के पास एकजुट होकर शुरू होगा, जहां विरोध प्रदर्शन के साथ संगठन के पदाधिकारी मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बावजूद बिजली की महंगाई न टलने पर जन आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी गई है। जबलपुर के सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश में कोरोना की नई खतरनाक लहर की आशंका है और इस बीच बिजली के दाम बढ़ाना ठीक नहीं है। कार्यकर्ताओं के मुताबिक आपदा प्रबंधन अधिनियम और विद्युत अधिनियम में भी राज्य सरकार को ये अधिकार है कि वो विद्युत नियामक आयोग को बिजली के दाम ना बढ़ाने की अनुशंसा कर सकती है। बावजूद इसके बिजली कंपनियों की टैरिफ याचिका पर सरकार और उसके मंत्रियों ने चुप्पी साध रखी है। गौरतलब है कि प्रदेश की बिजली कंपनियों ने करीब 1500 करोड़ का घाटा बताकर प्रदेश में बिजली के दाम औसतन 3.2% बढ़ाने का प्रस्ताव जारी विद्युत नियामक आयोग को सौंपा है। सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर, या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा, संपर्क करें 07662359974 पर, या फिर संपर्क करें 8602888590 पर।